गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लासेस साइंस. टुडेस वी हैव डिस्कस अबाउट हेल्थ केयर ड्यूरिंग एडोलसेंस. द फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स इज टर्म्ड इज एन इंडिविजुअल्स हेल्थ. एडोलसेंस इज द फेज ऑफ रैपिड ग्रोथ. एडोलसेंस जो है ये रैपिड ग्रोथ की फेज होती है. ये बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज एंड गुड पर्सनल हाइजीन इंश्योर गुड हेल्थ. इसमें बैलेंस डाइट चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए और खुद की साफ सफाई भी चाहिए ताकि आपकी हेल्थ कैसी रहे, अच्छी रहे. न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलसेंस. बैलेंस डाइट ऑफ द एडोलसेंस शुड बी इंक्लूड टू रिक्वायर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स टू मीट द डिमांड ऑफ रैपिडली डेवलपिंग बॉडी. फूड आइटम्स सच एज ए पल्सेज, मशरूम्स, मिल्क, एग, फिश, मीट आर द रिच इन प्रोटीन्स. वंस मेंस्ट्रुएशन बिगिन, ए गर्ल लूज ब्लड इन रेगुलर इंटरवल इन द एंड ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल. ए गर्ल्स डाइट देयरफॉर मस्ट बी रिच ऑफ आयरन एल्स सी मे सफर फ्रॉम एनीमिया. द गर्ल्स में आयरन वाली डाइट बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो फिर वो एनेमिक हो सकती हैं. वी अवेयर इन इंडिया द मेन काज इज इल हेल्थ टू माल न्यूट्रिशन ड्यू टू पावर्टी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस. जैसे अनकॉन्शियस आदमी है, उसको नहीं पता है किसी चीज़ के बारे में. अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैन लीड टू द अनवांटेड प्रेगनेंसी, डिजीजेस, एब्यूज एंड इवन डेथ. द एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स इज अ फैटल डिजीज कॉज्ड बाय द वायरस मेनली ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस. It is no cure so far and can spread through the blood transfusion and tract sexual intercourse. तो एड्स डिजीज जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स, जो HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस से काज्ड होता है, स्प्रेड होता है. इसके बारे में लोग कम जागरूक हैं, जिसके लिए जागरूक रहना चाहिए. और इसकी कोई मेडिसिन नहीं बनी है. से नो टू ड्रग्स, एल्कोहल एंड टोबैको. अलॉन्ग विद द फिजिकल चेंज there also a lot of emotional and intellectual changes to take place during adolescence. A teenager tend to become inquisitive and feels to need to experiment with activities not undertaken earlier. At time they feel insecure and resort to drug, alcohol and chewing and smoking tobacco. These substances habit forming. They harm the body including the brain and in long run ruin of one's life. Adolescence is also the time when the brain has a tremendous capacity for learning and therefore one must consciously take positive steps to develop oneself in the wholesome manners. तो हमें alcohol, drugs या फिर smoking टोबैको या च्यूइंग टोबैको, इन सब की आदतें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारे ब्रेन को की लर्निंग पावर को कम कर देते हैं और साथ ही आपकी लाइफ भी रुइन हो सकती है, बर्बाद हो सकती है. फिजिकल एक्सरसाइज एंड हॉबीज अनदर रीज़न व्हाई यंग पीपल एक्वायर टू द हैबिट, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर फ्री टाइम. इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू द प्ले आउटडोर गेम्स, डेवलप हॉबीज such as painting, photography, gardening, singing and playing music. ये सब चीज़ें करने से भी आप physical hobbies को बढ़ाएंगे तो आपका जो है brain और body दोनों ही अच्छा सवर करेगा. Awareness is the adaptive nature of bad habits and their consequence will also help one to stay out such activities. Thank you student.